हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीडीएस में पूछे गए हैं। सीडीएस 2021 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब सीडीएस के एग्जाम में जो मैथ्स की प्रॉब्लम है। पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या जो क्वेश्चन हमारे सामने आए हुए हैं उनको हम बिना पेन के कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना हमेशा, एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि पेन का इस्तेमाल करना पड़े। देखिए, इस चैनल का मतलब क्या है, इस चैनल का मतलब है कि स्टूडेंट्स को वो दिया जाए जो नॉर्मल टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कि एक्चुअली क्या है कि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं यार एक तरीके में दिक्कत है। मतलब मैं जिस तरह से कर रहा हूँ और टॉपर जिस तरह से कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी गैप को कम करना है, हम जानना चाहते हैं कि एग्जाम किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बिना पेन के सॉल्व करेंगे। मतलब अगर बिना पेन के हो रहा है तो ठीक, वरना सवाल छोड़ देंगे। ठीक है, और देखिए, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊंगा। बस इस वीडियो का मकसद ये है कि पेन के बिना क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, बस ये जानना है। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना पेन के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर 4132833P759387 इज डिविजिबल बाय 13। तो ये जो नंबर है आपके सामने 4132833P759387, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? भाई मुझे तो इसका कोई मेथड नहीं मिला जो बिना पेन के कर सके। इसको ऑप्शन रख के पी की वैल्यू 3 रख लो, फिर 6 रख लो, फिर 7 रख लो, फिर 8 रख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 4132833P759387, इतना बड़ा नंबर है, ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो P के किस मान के लिए, P की किस वैल्यू के लिए? तो P की वैल्यू आप रखते जाओगे, पहले 3 रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर 7 रखोगे, फिर 8 रखोगे। ऐसे रखते रखते कम से कम क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिना पेन के होगा, और अगर कोई शॉर्टकट है तो वो भी बताइए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी लेकिन लग नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा, पहले ऑप्शन की वैल्यू 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8, जो कि हम और आप दोनों जानते हैं कि बहुत लंबा मेथड है। तो ये बिना पेन के नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको इसको पेन के साथ ही करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना, बहुत हलवा क्वेश्चन है, एग्जाम में छोड़ मत देना। हाँ, बस बिना पेन के नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 10 लाख, 2 की पावर 10 लाख इज डिवाइडेड बाय 7। अगर हम 2 की पावर 10 लाख को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 की घात 10 लाख को 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन के हो जाएगा। देखो, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, जिसका रिमाइंडर 7 से आएगा 1। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पावर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 2 की पावर 1 आंसर कितना हो गया, 2। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ये बिना पेन का क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। 2 की पावर, इसको भूल जाओ अभी, इसको भूल जाओ। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 का 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब मुझे पावर को 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं पावर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मेरा आंसर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिना पेन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x, y कैन बी चोजन फ्रॉम द सेट 2, 3, 6, 8, 9 सच दैट द x / y + y / x = 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू y। क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। पहले देखिए, एक चीज आप लोग ये भी करिएगा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन क्या बिना पेन के हो सकता है? देखिए स्टूडेंट, बिना पेन के हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। मैं आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा, आप लोग कहोगे सर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया इस वजह से ऐसा। ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब काफी लोग सिलेक्टेड भी हैं जो इन मेथड्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, आप भी कर पाओगे। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। कभी कभार हम बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, ये भी दिक्कत आ रही है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कैन बी चूज़न फ्रॉम द सेट 2, 3, 6, 8, 9 सच दैट x / y + y / x = 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू y। क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए? क्या ये क्वेश्चन जो है हम लोग बिना पेन के सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, हम लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो x / y + y / x = 2 है। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। और जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर जीरो होगा तो x बराबर y होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x गुणा x एक्स स्क्वायर, y गुणा y वाई स्क्वायर, और वाई एक्स यहाँ से उधर चला जाएगा, LHS से RHS में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, 2xy को इधर लाओगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इतना तो तुम लोग दिमाग में कर ही सकते हो, इतनी मैथ तो आनी चाहिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया जीरो, तो मतलब x बराबर हो गया y। और अगर x बराबर y हो गया तो ऑप्शन में वो कह रहा है x नॉट इक्वल टू y, तो ऐसा कोई पेयर ही नहीं बनेगा, जीरो आंसर होगा, है ना। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है x बराबर y और ये कह रहा है x नॉट इक्वल टू y, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। और एक और तरीका होता है कि x बाई वाई जो है उसका रेसिप्रोकल y बाई x है, तो अगर x बाई वाई का उल्टा y बाई x है तो जोड़नों को जोड़ने पे बराबर 2 तभी आएगा जब x बराबर y की होगा, क्योंकि अगर x बराबर y की होगा तो x से x कैंसिल, y से x कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब x बराबर y की हो। तो यहां पर भी x नॉट इक्वल टू y मतलब 0 आंसर होगा, 0। तो देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग बिना पेन के कर सकते थे, ठीक है। अब आप लोग प्लीज ये मत करिएगा सर, देखिए करना है, बात को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the pair of prime numbers m comma n between 50 and 100 such that m minus n is equal to 6, for how many such pairs there? 50 से 100 के बीच में कितने prime number ऐसे हैं जिनका difference 6 के बराबर है? तो ये तो मेरे हिसाब से काफी simple question है, 50 के बाद के सारे prime number आप लोग फटाफट लिख डालिएगा और लिखने के बाद उसको count कर लीजिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 50 के बाद prime number क्या क्या होते हैं? 53, 59। तो देखो 53 और 59 का डिफरेंस कितना हुआ? 6। फिर 59 के बाद क्या आया? 59 के बाद आता है 61। 61 के बाद क्या आता है? 61 के बाद आता है तुम्हारा 67। ठीक है, इस तरह से चलते जाओ। तो बहुत सारे पेयर ऐसे मिलेंगे जहां पर उनका डिफरेंस 6 होगा, तो 53, 59, 61, 67, फिर 67 के बाद 71, 71 के बाद तुम्हारा सीधे 79, 79 के बाद, ऐसे करते जाओ। फटाफट कोई भी दो प्राइम नंबर ढूंढो, उनके बीच का दो तो मैंने ही बता दिए, 53, 59 और 61, 67, ये दो मैंने बता दिए, इसके अलावा तुम ढूंढो। ये क्वेश्चन भी बिना पेन के हो सकता है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब अगर इस गुणनफल को एक्सपैंड किया जाए तो कितने पद होंगे, कितने टर्म्स होंगे? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां तीन टर्म है, यहां चार टर्म है और यहां पांच टर्म है, तो अगर हम देखें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3 into permutation, 3 into 4 into 5, तो टोटल कितना हो गया? 60, आंसर हो जाएगा 60। देखो तीन टर्म यहां है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टर्म होंगे, तो तीन टर्म यहां है, चार टर्म यहां है, पांच टर्म यहां है, 3 × 4 × 5 टोटल 60 टर्म हो गए। कितने हो गए टोटल? 60। नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें देखो दिक्कत कब आती है, अगर यहां A1 होता और यहां भी A1 होता, अगर रिपीट कर जाता तब ये फॉर्मूला नहीं लगता। देखो मैं वही कहता हूं आप लोग से हमेशा, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के कहीं भी कुछ भी लगा दोगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले बेसिक जानना जरूरी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये भी बिना पेन का क्वेश्चन है यार, पावर ऑड है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए माइनस बी से डिविजिबल होता है, आपको याद होगा। ये a की पावर n है और ये b की पावर n है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n, 27 में से 15 माइनस करो 12 हुआ, तो 12 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0, आंसर क्या जाएगा 0। अब ये सब शॉर्टकट तभी लग सकते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, अगर आपके बेसिक्स दिक्कत है तो पहले आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 27 माइनस 15 करो कितना आएगा? 12 आएगा, तो 12 का रिमाइंडर 6 से कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखो इस टाइम आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के 6 क्वेश्चन थे, 6 में से एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी 5 क्वेश्चन मन में सॉल्व होने वाले। तो देखो एग्जाम में कितना टाइम बचाया तुमने, भले मुझे समझाने में टाइम लगा लेकिन मैं इतना एग्जाम में थोड़ी समझाता बैठ किसी को, मैं तो अपने सॉल्व करता ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चन बिना पेन के बना दिए। अब तुम क्वेश्चन नंबर 1 को जरा मुझे बताना कि बिना पेन के हो सकता है क्या? अगर मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में आया तो बताना। ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस लाता रहूंगा, ये CDS 2021 के एग्जाम की प्रॉब्लम थी, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। जुड़े रहिए चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।